मेरी है ने गुड मॉर्निंग नमस्कार पहलाग उत्तराखंड कैसे हैं, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिश्रा ब्रदर बॉक्स। तो दोस्तों आज है एक और संडे, तो सोचा हमने आज कहीं जाने की घूमने की। तो फिलहाल मम्मी लोग घर रहे करके काम है। देखिए मम्मी घर रही है दोस्तों, मम्मी प्याज छील लिया पर देखिए, पापा ने भी नहा लिया, पापा वहाँ बैठ चुके हैं, तो देखो शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। तो फिलहाल भाई भी है यहाँ पर, अभी फिलहाल हम सुन रहे थे गाने टीवी पे। तो फिलहाल अभी घर के करते हैं कुछ काम, अभी अपने फैंस थोड़ा गोबर साइड करना है खेत में, गाय का गोबर ना खेत जोतने आज, तो गाय का गोबर साइड करना है, ट्रैक्टर से मतलब हाथ से थोड़ा गोबर उठा देंगे फट वैसे हम, फिर इसका सोचते हैं कहीं जाने की घूमने की, देखते हैं दोस्तों आज कहाँ आते हैं। मतलब मैं संडे मतलब कहीं छोटे मोटे घूमने जाए और वहाँ उसको एक्सप्लोर करें ना, तो उससे देखते हैं आज कहाँ का प्लान बनता है। फिलहाल जैसे वैसे घर के काम करते हैं। तो गाइस फिलहाल खेत से तो आ गए, मैंने वहाँ ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा गर्मी थी ना, कैमरा जल्दी हीट जाता है, मतलब घर बहुत ज्यादा धूप थी। तो फिलहाल भाई जा रहा नहाने के लिए, देखो भाई ने फिर कपड़े भी पहन रखे हैं। तो फिलहाल वापस ला रहे हैं फोन मस्त देखिए। तो दोस्तों फिलहाल जैसे अभी नहाते हैं निकल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह, मेरे संग दो लोग और आ रहे हैं, बताऊंगा दोस्तों कौन आ रहे हैं वो। बहुत लोग दोस्तों गए वहाँ पर, मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ कोई वो हिल, बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन है, मतलब कोई मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हिल स्टेशन पे, बहुत सारे हिल स्टेशन है दोस्तों। बने ब्लॉग के साथ काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आज का होने वाला है। तो गाइस फिलहाल नहा लिया हमने, टाइम बच चुका है, टाइम देखिए कितना हो गया है दोस्तों, टाइम हो चुका है 10:05 दोस्तों। मेरे साथ में रेडी हो चुका हूँ, मैंने अपना गैट फिला लिया है, टी शर्ट ऊपर से नीचे से जींस पहन ली, भाई आ रहा है लोअर और टी शर्ट में, उसके ज्यादा शौक नहीं फैशन का, मुझे बहुत शौक है फैशन का। फिर गाड़ी में तेल डाल के आपने गाड़ी में बिल्कुल तेल लेना, फ्यूल डालना पड़ेगा तभी तो हम जा पाएंगे घूमने के लिए। तो जैसे तेल डाल के आने गाड़ी में फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फिलहाल तो आ चुके हैं गाड़ी में तेल डाल के, टाइम हो चुका है दोस्तों 10:25 दोस्तों, काफी यार लेट हो चुकी है, मम्मी ला चुकी है मिले नाश्ता। तो नाश्ते में दोस्तों आज है पकौड़ी और दूध, जल से दोस्तों नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं अपनी लोकेशन, अपने हिल स्टेशन जहाँ हम जा रहे हैं। काफ़ी ठंडी जगह है काफ़ी, मतलब दोस्तों इस गर्मी में मतलब पहाड़ आना काफ़ी अच्छा लगता है घूमना, तो हम जा रहे हैं पहाड़ चढ़े घूमने के लिए आज। मैं जा रहा हूँ, गौरव जा रहे हैं, मनुवारी कमनुवारी मन करो दोस्तों, मेरे ताऊदा के लड़के हैं उनको भी ले जा रहे हैं मेरे साथ, हम चारों जा रहे हैं दो गाड़ी पे। जल्दी से दोस्तों नाश्ता करते फिर निकलते हैं हल्द्वानी के। ज़्यादा काफ़ी थक गया है ना, तो ज़्यादा पानी पी रहा है, देखिए भाई कर एक बार दोस्तों। फिलहाल कम ज़्यादा थक गया है, पानी पी रहे हैं, अभी करें यहाँ से भीमताल करीबन 15-20 किलोमीटर भीमताल बचा है, फिलहाल से थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं भीमताल के लिए। भीमताल से दोस्तों आगे हम जा रहे हैं परिताल, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ लाइफ में, दोस्तों देखेंगे यहाँ से कैसा एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों बने ब्लॉग के साथ। और दोस्तों पहाड़ काफ़ी इन्जॉय करिए, यहाँ पर काफ़ी आवाज़ आ रहा है, काफ़ी क्राउड है ना, जल्द से दोस्तों निकलते हैं भीमताल के लिए, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अभी आ चुके हैं हम भीमताल, फिलहाल भाई मन्नू और हम लोग सब पहुँच चुके हैं, देखिए फिलहाल थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे अपनी लोकेशन परिताल के लिए, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा पानी पी रहे हैं, पानी खाएं, पानी मिला क्या घर में होता है, ऐसा लगता है कि कहीं जाऊं। तो गाइस पानी काफी पानी गर्म हो चुका है ना, बहुत पानी गर्म हो गया है क्योंकि स्कूटी के डिग्गे पानी तो आ रही, पानी काफी गर्म हो गया, हम ठंडा पानी लाए थे ना, पानी वाला गर्म हो चुका है, जल्दी ऐसे पानी पीते हैं क्या करें फिर दोस्तों, पानी ही पीना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं हम परिताल, जा रहे हैं परिताल में, काफी हद थक चुके हैं दोस्तों, टाइम हो चुका है 1:05, काफ़ी ज़्यादा सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं, 3-3.5 घंटे में दोस्तों यहाँ पहुँच रहे हैं। भाई फिलहाल भाई मन्नू कमलो भाई सब पहुँच चुके हैं, जल्दी दोस्तों निकलते हैं, काफ़ी गंदा रास्ता है, देखिए इतना गंदे रास्ते गाड़ी लेके आए, देखिए हम दोस्तों सब बारह बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहुँच गए जल्दी से, थोड़ा रेस्ट करके निकलते हैं आराम से, पैदल पैदल पहुँचेंगे, लोग भी जा रहे हैं यहाँ से, गलत जा रहे हैं यहाँ से।
दोस्तों ऐसे निकलते हैं, परिता के दिखाएंगे दोस्तों आपको प्यारी प्यारी लोकेशन से। काफी तगड़ा ब्लॉग आज का होने वाला है दोस्तों, बनिए ब्लॉग के साथ। काफी ज्यादा गंदा रास्ता है, मतलब दोस्तों इतने समझ में चलना पड़ रहा है ना हम लोगों को, क्या बताऊँ। काफी ज्यादा गंदा रास्ता है, मतलब ये देखो दोस्तों, ये देखो चेक करो यार एक बार, ये देखो भाई साहब, मतलब इतना स्लो चलना पड़ रहा है, देखो ना यार ये देखो भाई इतना, मतलब भाई आराम चलो ये। अरे मैं पहले भी आ रहा हूं। और काफी लोग पर्यटक हल्ला हल्ला कर रहे हैं, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, शायद वो अपने पुराने प्यार को याद कर रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं, कोई चंपा चिल्ला रहा है, कोई क्या चिल्ला रहा है, आई डोंट नो। ये देखो फिलहाल पीछे से ये भी आ रहे हैं अभी, तो फिलहाल अभी फिलहाल इंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आप लोगों दोस्तों आए ना तो आप भी आ सकते हो परिताल नाम से ऐसा लग रहा था परिता जैसे कितनी पर रहती होंगे यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अभी। टमाटर लगाए देखे दोस्तों यार एक बार, यहाँ लोगों ने दोस्तों। तो भाई फिलहाल हम पहुँच चुके हैं परिताल में, देखिए ओ भाई डर लग रहा, पानी की जो कैमरा पकड़ा है भाई, लोग कहाँ पहुँच गए, काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ। तो काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ, फ़िलहाल चढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और आप लोग भी अगर आते हो तो आ जाना, काफ़ी मतलब बहुत गर्मी कितनी हो रही है और काफ़ी तगड़ा मतलब व्यू भी तगड़ा है। रुको आपको एक चीज़ दिखाता हूँ एक मीटर को, ठीक है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा गंदा, इतना गंदा रास्ता मैंने आज तक लाइफ में कभी देखा, मैं चल रहा हूँ मैं पत्थरों में, और लोग कहते हैं कि जब यहाँ पानी आता है तो पूरा मतलब ये पूरा पानी से भर जाता है। ओ भाई मुझे मेरे सांस का आवरी पता है, मेरी हार्ट बीट दोस्त इतनी ज़्यादा बढ़ी ना, धक 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 हो रहा है, क्योंकि यार पाँव चल नहीं रहा पता है इतने गंदे इलाके में ना, मतलब गंदे इलाके दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा इलाका लग रहा है मुझे। तो दोस्तों जब यहाँ बाढ़ आती है ना, ये देखिए जब यहाँ बाढ़ आती है तो पानी मतलब पूरा भर जाता है, ये देख रहे हो ये पूरा भर जाता है, पानी 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 पानी। कमलू भी यहाँ आ चुका है, वो देखिए, ओए ओए मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पानी देखा जा रहा है दोस्तों, क्या सीन है दोस्तों यार, मज़ा आ गया दोस्तों मुझे। शायद कैमरा ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदा सीन है, अगर एक कैमरा फिसला तो दोस्तों कैमरा भी गया, मैं भी गया साथ में पानी में। तो गाइस फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लिया, फोटो वगैरह हमने खींच लिया है, डाल दूंगा मैं इंस्टा स्टोरी पे, और जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहा था फिलहाल इंस्टा पे फॉलो कर लेना, फिलहाल मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टर ब्लॉग हाउस, मेरी इंस्टा आईडी है, तो फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे हल्द्वानी को अपने घर को। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया है, यहाँ ठंडा ज़्यादा हो रहा है, और मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट दोस्तों इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए थे ना, क्राउड ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा, और तब भारी कैमरा सेटअप लगाना दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, पर मैं फिर भी आपके लोग ब्लॉग बना रहा हूँ, ये चेक करो गाइस एक बार आ दोस्तों क्या सीन दोस्तों। तो इनको देखो कैसे मज़ा कर रहे हैं दोस्तों, मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आ गया, कितना मज़ा आया, बहुत मज़ा इससे नहीं आया ना, नहाया नहीं इसलिए अगली बार नहाएंगे तो अगली बार एक कैश लेके आएगी 2-3 हज़ार रुपये, तब हम लाइफ जैकेट पहन के नहाएंगे। यस तो ये कह रहे हैं इन्हें नहाया नहीं यहाँ पर दोस्तों, नहाने का आप अच्छा नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी यार लाइफ जैकेट मिल रही है, पर दोस्तों अपनी सेफ्टी में नहाना है, खाली उसको छोटोट लग सकती है ना यार, गाँव से आए अगर थक गए, टाइम भी हो चुका है, टाइम कितना हो गया, टाइम शो नहीं कर रहा है, पैसे टाइम कितना हो गया, टाइम हो रहा है दोस्तों, टाइम हो चुका है 1:58 हो चुका है, और वैसे कुछ खाते हैं, सुबह से कुछ नाश्ता करा था, पकौड़ी खाई थी, उसके कुछ खाया नहीं है, बस पिया पिया है, पानी यानी पिया है और कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं पिया है। तो क्या हुआ, खाली पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है, तो पानी पी रहे हैं, जल ही जीवन है, कुछ खाते हैं जल्दी से। ओ भाई यहाँ कुछ गया, ओ भाई ये क्या है, एक मोटर को दिखा, तो चेक करो गाइस क्या है ये, आई डोंट नो यानी कौन सा कीड़ा है, क्या है ये, दोस्तों ग्रिगेट है, तो दोस्तों देखो काफ़ी डेंजर लग रही है, मैंने इसकी पूंछ देखी तब मैं यहाँ देखने लग गया, पता नहीं क्या है, और ये देखो
जान लगे घर को। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बैठ के चिल मार रहे हैं। काफ़ी तगड़ा सीन था यहाँ का। संडे बिल्कुल दोस्तों कंडे बन चुका है हमारा, और छोटे दोस्तों मछलियाँ भी हैं यहाँ। मछली का पानी पूरा दिखाई दे रहा है, वाइट 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 है, देखिए। काफ़ी लोग यहाँ मैगी आके खा रहे हैं, देखिए। ये मम्मी मेरी बहन साउथ गर्ल की। फिलहाल निकलने घर के लिए, काफ़ी गंदा रास्ते में दोबारा चढ़ने के स्टार्ट हो गए हैं। अब आज टाइम लगेगा दोस्तों, सिसौड़ भी है। सिसौड़ भी है क्या? हाँ आगे हैं। तो यहाँ सिसौड़ भी हैं लोग, उसे कहते हैं वो कौन सी घास? बिच्छू घास पहाड़ में बोलते हैं। ये देखिए, ये है ना, ये नहीं है ना, ना ना आ गया, ये नहीं है। तो ये नहीं था फिलहाल, पता नहीं मुझे लगा सिसौड़ खास टाइप के, पर वो नहीं है, बिच्छू नहीं। मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे भी हो चुके हैं, धूल बहुत थी और सांस फूली है। ओ भाई डर लग रहा काफ़ी यार, एक पाँव फिसलने सीधे नीचे गिरे, कैमरा हाथ से गया सीधे नीचे। ये सिसौड़ देखो क्या ऊपर भी होगा, अगले बार आएंगे नहाने। बच्चा ही रहते हो आप? आप ही रहते हो? क्या नाम है आपका? दीपेश भट्ट। और आपका? अच्छा दोनों भाई हो आप? हाँ। तो दोस्तों देखो बच्चे यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे हो घूमने? यही परिताल जा रहे हैं घूमने के लिए। भाई को बहुत भूख लग रही है, तो भाई को बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं। आगे आंटी दिखाई दे रही है, उनसे पानी मांगते, अगर पानी मिल जाएगा पीने को। तो गला बहुत सूख गया दोस्तों, सीरियसली यार बहुत गला सूख गया मेरा। हम गाँव का नाम पूछेंगे, गाँव का नाम क्या पूछ लेंगे। भाई लोग पीछे से आ रहे हो, देखिए। पता नहीं मैंने इसकी स्किन घुमा रखी है, मुझे कोई पता नहीं चल क्या शूट हो रहा है क्या शूट नहीं हो रहा है। तो शूटर सब डाल दूंगा, देख लेना आप, ठीक है। फिलहाल आगे से अब मैं उनसे पूछते हैं गाँव का नाम क्या है। ओ अमा नमस्कार, ये आपके गांव का नाम क्या हुआ? पनियाली। ये पनियाली हुआ? तो फिलहाल हम गाँव में, यहाँ कहीं पीने का पानी होगा अम्मा? अम्मा तो गाँव का नाम पनियाली है। ये देखिए क्या अम्मा, टमाटर लगाए ना? ये देखो अम्मा ने टमाटर खेती भी करी हम लोगों ने यहाँ, और यहाँ पीने का पानी भी आ रहा है ठंडा ठंडा। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, फिर जल्दी पानी पीते हैं। तो भाई देखिए यहाँ खेत जोतने के लिए छोटे छोटे ट्रैक्टर भी आता रहा, इसमें तेल डलता होगा ना आंटी? पेट्रोल डीजल चलता होगा। ये छोटे से छोटे जहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर यहाँ पता, छोटे ट्रैक्टर होते हैं खेत जोतने के लिए। देखिए छोटे छोटे ट्रैक्टर है ये खेत जोतने के लिए, मन पानी भरी पीने के लिए। फिलहाल ये जगह नाम पनियाली है, गाँव का नाम पनियाली है। सॉरी रिजॉर्ट है, यहाँ रिजॉर्ट भी है, पता नहीं उस साइड साइड नीचे रिजॉर्ट है, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो। तो गाइस ये देखिए यहाँ गांव का नाम पनियाली है, कितना प्यारा लगा दोस्तों। देखिए पहाड़ यार, वाह। ये देखिए छोटे छोटे गाँव भी हैं यहाँ, देख घर दिखाई दे रहे हैं शायद आपको। ये देखिए थोड़ी थोड़ी धुंध हो रही है, कैमरा थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा है, हल्का मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्लाइमेट सही नहीं ना पहाड़ का ना। ये तो फिलहाल निकल रहे घर को, भाई लोग ने थोड़ा चिप्स लेने दुकान से, बगल में चिप्स की दुकान थी, यानी कौन सी चिप्स हैं ये, देवव्रत, देवर पान चिप्स हैं आलू वाले। फिजाल फिर से कमलू भी खा रहा है। कमलू मज़ा आया, कितना मज़ा आया आज? बहुत, मतलब फिर भी कैसा लगा? मज़ा आया बिल्कुल, और फिर से मन्नू भी आ रही है। क्या गाइस मज़ा आया नहीं आया आज? मज़ा आया ना, अगर नहाते तो और मज़ा आता, नेक्स्ट टाइम आएंगे। नहाना खराब है पता है क्यों? टाइम बहुत हो जाएगा। हम सुबह 10 बजे घर से निकले हैं, 10:30 बजे घर से निकले हैं, और हम 12:30 1 बजे पहुँचने लगा लूँगा। इतने ट्रैफिक था दोस्तों, भीमताल रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ना, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट आए, तो नहा नहीं पाए हैं। अगली बार आएंगे तो मतलब फुल तैयारी से आएंगे, बैग पैक और सब लेके आएंगे। तो हमें जाना है, हमें क्या पता है नहाते नहीं करके, मुझे सीरियसली पता है नहाते करके। तो जल्द से चिप्स खाते हैं, निकलते हैं मेन रोड पे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर मेन रोड है यहाँ पर, वहाँ जाके थोड़े फोटो फोटो खींचेंगे, फिर निकल लेंगे हल भीमता के लिए, कुछ खाएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है आप लोगों से। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। देखिए हम लोग
दोस्तों गाइस हमने देखा क्या मिला यहाँ पर, यह है लीसा बोलते हैं इसे। हाथ इसे चेवल की बड़ी से निकाला जाता है। क्या काम आता है ये? हाथ धोने के। ये हाथ धोने के काम आता है, गोंद बनता है इससे, बहुत खतरनाक होता है। इससे जलाना भी बनता है, जलाने वाला प्रोडक्ट बनता है पहाड़ी में। अच्छा, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। ये देखिए दोस्तों चेकआउट बस। नहीं तो देखा आपने, जो देखो कितना हल्ला हो रहा है यहाँ से। लीसा का वो देखा आपने, लीसा का छोटा सा वो जब जिसे हाथ धोते थे वो इसका ही तो होता था। वो देखो यहाँ से दिख रहा है परिताल, अभी हम यहीं से देखिए। जहाँ हरारा देख रहे हो शायद, वो देखिए वो हरारा दोस्तों, वही परिताल। अभी तक वहीं थे हम और वहाँ से चल दोगे दोस्तों का, तो लोग वहाँ नहा रहे हैं। ये देखिए क्या चेकआउट गाइस, कितना प्यारा व्यू देखिए यार, ओपी व्यू। देखो दोस्तों सदर का, देखो देखो चेड़ी वोड़ लगाए गए हैं, इन्हीं से सदर निकलता है लीसा। ये देखिए ये यहाँ लगाया, देखो ये पहाड़ों का पानी खींच लेते हैं ये। क्या पीने वाला जो साफ शुद्ध पानी होता है, हाँ सब चीड़ के पेड़ खींच लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं पहाड़ों में देवदार के पेड़ लगाने चाहिए। अंग्रेजों ने लगाए थे चीड़ के पेड़, तब से लेके फैलते गए काफी आगे तक। और जहाँ जहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ पानी शुद्ध होने की क्षमता कम हो जाती है पहाड़ों में, जो हम धार और नौलों का साफ पानी पीते हैं। तो गाइस फिलहाल हम ऊपर आ चुके हैं मेन रोड में। हाँ जल्दी गाड़ी ने अपने पहन रहे हैं हम लोग, बहन लोग भी आ चुके हैं, भाई लोग भी आ चुके हैं। हाँ देखा हमने एक बार, काफ़ी यार थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा से पसीना दिखाया कितना गया। देखो पूरे देखो कपड़े गीले हो गए, ये देखो यार चेक चेकआउट गाइस। देखो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रास्ता ऊपर चढ़ने का ना, जल्दी जल्दी से खाते हैं हेलमेट पहनते निकलते हैं भीमताल के लिए। वहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे हल्द्वानी अपने घर के लिए। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग अच्छा था, इन्होंने मुझे लग रहा है कि ब्लॉग अच्छा बन चुका है, बस थोड़ा सा एडिट करके और अच्छा बनाऊंगा उसको मैं। दोस्तों तो निकलते हैं भीमताल के लिए। तो गाइस फिलहाल अभी आ रखे हैं हल्द्वानी रेस्टोरेंट में। हमने भीमताल में कुछ नहीं खाया, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने कहा हल्द्वानी जाके खाएंगे। तो फिलहाल अभी आ रखी है हमारी कोल्ड ड्रिंक आई है। फिलहाल मैं अभी केसर इलायची लस्सी पी रहा हूँ, ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और ये हैं। और फिलहाल अभी छोले समोसे मंगा रखे हैं, छोले समोसे खाएंगे, ज़्यादा खाते नहीं है क्योंकि बाहर का खाने में दिक्कत हो जाती है, पेट खराब हो जाता है हमारा, तो कम ही खाएंगे। कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, जल्दी खाना खाते निकलते हैं घर के लिए। घर आते पापा के पास फोन आ चुके हैं ना, तो जल्दी से मिलते हैं घर वाले, खा लेते हैं। फिलहाल हमारे छोले समोसे आ चुके हैं, चेक करा चेकआउट का इस बार काफ़ी याद है, भाई है छोले समोसे भाई लोग खाने लग गए, देखो भुक्खड़ की तरह ऐसे खा रहे हैं, देखो इसको देखो। तो फिलहाल छोले समोसे जल्दी खाते हैं, देख वहाँ पर वो खा रहे हो, देखो फोन में लगा पड़ा पागल जैसा। जल्दी दोस्तों खाते भी निकलते हैं घर के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका है ना, बाय। फिलहाल समझ छोले समोसे तो खा लिए हैं, निकलते हैं घर के लिए। ये अभी भी खाना खा रहे हैं, अभी भी इनके साथ पेट नहीं भर रहा है, देखिए भूख कर गए हैं। हम भूखा बस दोस्तों, अभी छोले समोसे जहाँ खा रहे हैं, दुकान का नाम है कृष्णा स्वीट्स, ये दुकान है मंगल पड़ाव पे। यहाँ मतलब सारे खाने की मिलती है, चाउमीन मोमो छोले समोसे समोसे जलेबी मिठाइयाँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक सब सब मिलता है, केक पेस्ट्री भी उपलब्ध है और काफ़ी अच्छी आगे सर्विस है। जल्द हमने हमें छोटे समोसे दोस्तों बैगड़ खा के मजा आ गया। जब मैं कॉलेज आता था डेली कॉलेज आता था MBBG में, तो मैं भी रोज मतलब समोसे मैंने खाए थे पहले यहाँ, आज छोटे समोसे खा लिया है, जल्द से निकलते हैं उसको घर के लिए। ये भी खा रहे हैं देखो तो बुला, जल्द से निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। पहुँच के टाइम हो चुका है 5:20 दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई घर पहुँचने में। दोस्तों ऐसा करते हैं यहीं पर ब्लॉग को एंड, अगर दोस्तों आपका हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को फैमिली को पक्का शेयर करना दोस्तों, ठीक है, बाय। यारी यारी अब तो आ रही बारात, शेयर को सब चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को